नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच बुक ऑफ द डे विषय पर चर्चा करने आई हूँ। और आज का जो विषय है, आज का जो किताब है, जो आपके जीवन को बदलने के लिए बेहद खास है और जिसे आज आपको अध्ययन करना है, उसके बारे में जानना है, उस पुस्तक के बारे में जानना है जिसमें यह बताया जाता है कि आप कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो साथियों, आज का बुक ऑफ द डे है 5 AM क्लब। आज का किताब है 5 AM क्लब, जिसे रॉबिन शर्मा द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में आपको यह बताया जाता है कि कैसे आप अपने दिन को गुणात्मक, सकारात्मक और विकासात्मक बना सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे आप जब 5 बजे जगते हैं तो आपका जो प्रथम 1 घंटा होता है वह आपका विक्ट्री टाइम होता है। जब आप जगते हैं तो जो प्रथम 1 घंटा होता है वह कैसे आपका विक्ट्री टाइम होता है। इस पुस्तक में 20-20-20 प्रिंसिपल को बताया गया है, अर्थात प्रथम जो 1 घंटा होता है उसको 20-20 मिनट में 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो 20 मिनट है उसमें आपको बताया गया कि आप इसमें एक्सरसाइज करिए ताकि आपका जो फ्यू हार्मोन्स है वो तीव्र गति से उत्सर्जित हो। सेरोटिन, डोपामिन नामक जो हार्मोन है वो तीव्र गति से उत्सर्जित हो। और जब इस हार्मोन का स्राव होता है तो आपके जीवन में एक खुशहाली आपको अनुभव होता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। साथ ही साथ आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह भी बढ़ता है। और यदि आप सुबह उठने के साथ 20 मिनट एक्सरसाइज आदि करते हैं तो आपको एक अलग सा एनर्जेटिक माहौल होने का एहसास होता है। उस दौरान आपको पूरे दिन की एनर्जी एक साथ आपको मिलती है, जो कि आपके पूरे दिन को सुखद एहसास के रूप में रूपांतरित कराता है। तो इस प्रकार ये जो प्रथम 20 मिनट होता है आपके जीवन का बदलाव का पल होता है, कि कैसे आप अपने जीवन को खुशहाली की ओर अग्रसित करते हैं, कैसे आप अपने प्रथम 20 मिनट को कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता की ओर ले जाते हैं। और जो द्वितीय जो 20 मिनट होता है उसमें यह बताया जाता है कि आप इसमें अपने भविष्य की प्लानिंग करिए, आप इसमें अपने डे की प्लानिंग करिए, आप इसमें अपना कुछ ऐसी थिंकिंग डेवलप करिए कि आपके डे बाय डे के लाइफ को यह आगे बढ़ाए। और इस लाइफ को कैसे गुणवत्तापूर्ण बढ़ाया जा सके इसके बारे में आप थिंक करिए। जब आप इस दौरान 20 मिनट के दौरान थिंक करते हैं तो क्या होता है कि आप जो जो भी गलतियां करते हैं तो उसको आप दूर करने का आप अवसर प्राप्त करते हैं। और जैसे ही आप अपनी कमियों पर विचार करते हैं वैसे ही उसको दूर करने का भी दूसरे पल विचार कर लेते हैं। और ये आपको स्वयं ही नहीं पता होगा कि कैसे आप कंटिन्यूअसली आप अपने भीतर सुधार कर रहे हैं और लगातार आपके भीतर एक गुणात्मक परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा। साथियों, ये जो द्वितीय 20 मिनट है आपके लाइफ के सबसे बेहतरीन पल होता है कि आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस 20 मिनट के दौरान आप देखते हैं कि आपकी पढ़ाई की क्या क्या कमियां रह गई हैं, अभी और क्या क्या मुझे पढ़ना है, मेरे सिलेबस के कौन कौन से पॉइंट छूट गए हैं। यदि आप उद्योगपति हैं या उद्योगपति बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या मेरा छूट गया है और मेरे में क्या क्या कमियां हैं जिसको यदि सुधारा जाए तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप कोई बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी रणनीति भी आप इस 20 मिनट में बनाते हैं। और जो तीसरा जो 20 मिनट होता है विक्ट्री आवर का, वह होता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का, नए तथ्यों को एकत्रित करने का, क्योंकि यही आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस 20 मिनट में आप किसी भी बुक की समरी सुन सकते हैं, किसी भी चर्चित
इमिनेंट पर्सन के व्यक्तित्व के बायोग्राफी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या कोई भी ऐसा नया चीज कर सकते हैं जो आप में गुणात्मक परिवर्तन करे। इस 20 मिनट को आप सीखने का समय दीजिए। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने अंतिम चरण तक भी सीखता है, और यदि हम इस को मानते हैं तो अवश्य ही हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस विक्ट्री आवर के 20 मिनट में कुछ नए सीखने के लिए अवश्य देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस 20 मिनट में आपको अवश्य पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित, पॉजिटिव थिंकिंग से संबंधित, अथवा किसी इमिनेंट पर्सन से संबंधित जो बायोग्राफी होता है उसको आप अवश्य सुनिए। इससे क्या होगा कि आपको एक राह मिलेगा अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, क्योंकि जो भी इमिनेंट पर्सन होते हैं उनके जीवन में कुछ कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जिसको वो पार करके लक्ष्य प्राप्त करते हैं, और कैसे उन बाधाओं को वह दूर करते हैं वो सारा कुछ उस बायोग्राफी में होता है। यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यदि आप इस समस्या से, इस कठिनाइयों से गुजरते हैं तो उसको कैसे आपको पार करना है। आपको दूसरे की आलोचनाओं से डरना नहीं है, बल्कि आपको तो हाथी की तरह बहुत ही शान के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति है, जो आग है, जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, जो लगन है, जो भूख की, जो विकास का भूख है, उसको जगाने का उसको पाना है। साथियों, यदि आप 5 AM क्लब की इस पुस्तक के 20-20-20 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते हैं तो अवश्य ही आपको एक नई दिशा और दशा प्राप्त होगा। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह पुस्तक आप सभी के जीवन के लिए बेहद खास होगा, और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि अवश्य ही कल से आप इस 5 AM क्लब में ज्वाइन करेंगे और अपने जीवन को खुशहाली के मार्ग को ले जाने के लिए इस 20-20-20 प्रिंसिपल को अवश्य ही व्यवहारित करेंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।